हेलो दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड हर फोर्थ बजट यस्टरडे, यूनियन बजट। ओके, सो इस यूनियन बजट की जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कुछ पर्टिकुलर टैक्स लगेगा, आरबीआई ने खुद की डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला है, और यस इनकम टैक्स के बारे में ये है कि इनकम टैक्स का स्लैब जो है वो जैसे पहले था वैसा ही है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और यस, सो लेट्स सी एग्जैक्टली व्हाट आर द पॉइंट्स आर देयर। सो फर्स्ट पॉइंट इज नो चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब। देयर इज नो चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब। तो सैलरी वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बुरी खबर है कि टैक्स के लिए कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसे ही है। एक्चुअली मिडिल क्लास लोगों के ऊपर शायद ये ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि ओके, तो हमने वो परसेंटेज दे। ओके, सो दिस इज द इनकम टैक्स स्लैब फॉर ईयर 2022 टू 23। तो टोटल इनकम अगर आपका 2.5 लाख तक है तो नो टैक्स, 2.5 से 5 लाख है तो 5%, 5 to 7.5 लाख है तो 10%, 7.5 to 10 लाख तक है तो 15%, 10 to 12.5 लाख तक है तो 20%, 12.5 से 15 लाख है तो 25%, एंड 15 एंड अबव है तो 30%। गाइज, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस टाइम ऑल्सो द टैक्स आर अनचेंज। सो बेसिकली आई फील दिस इज न्यू हेडेक फॉर मिडिल क्लास पीपल, बिकॉज दे वे एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट दिस टाइम द टैक्स रेजिमे विल दे गेट सम टैक्स एग्जेम्पशन, बट या ये ऐसी कुछ बात हुई ही नहीं, तो कॉमन लोग तो बहुत। सो यस, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्पोरेट सरचार्ज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 12 to 7%। तो पहले कॉर्पोरेट सरचार्ज जो था वो 12% था, अभी 7% हुआ है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट सच एज क्रिप्टो टू बी टैक्स्ड एट 30%। ओके, सो 30% टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट सच एज अ क्रिप्टो करेंसी। ओके, तो 30% टैक्स लगे क्रिप्टो करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी के लिए। टू बिंग पैरिटी बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज टैक्स डिडक्शन लिमिट इंक्रीज 14% फ्रॉम 10% ऑन द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो थे वो 14% दे रहे थे, और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो थे वो सिर्फ 10% दे रहे थे। नाउ ये सब सेम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सेम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी 14% टैक्स किया है। टॉप फोकस ऑफ दिस बजट दिस ईयर पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, सरप्राइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। विल सी द सो डिफेंस आरएनडी टू बी ओपन फॉर द इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स। इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स के लिए डिफेंस आरएनडी ओपन किए जाने वाले। स्टार्टअप्स विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति टू प्रमोट ड्रोन यूसेज। तो ड्रोन यूसेज को प्रमोट करने के लिए ड्रोन शक्ति स्टार्टअप्स शुरू प्रमोट करने वाले हैं। आरबीआई टू इंट्रोड्यूस द डिजिटल रूपी यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग 2022-23। तो आरबीआई टू कम अप विद द डिजिटल करेंसी यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज। तो आरबीआई भी अभी एक नई डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करने वाला है। और पीएम गति शक्ति के बारे में बताओ तो पीएम गति शक्ति प्लान विल एनकम्पस 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ एंड एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। और यही इसमें ना मेंटल हेल्थ को ड्यू टू कोविड, ओके, सो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए हैं। और वही इनकम टैक्स स्लैब्स में तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस इन इंडिया टू बी कनेक्टेड टू कोर बैंकिंग सिस्टम। तो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो है वो बैंकिंग सिस्टम को कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है दोस्तों।
Thank you for connecting with me. Please subscribe my channel, guys. Please subscribe my channel. Thank you.